हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आज भी स्टूडेंट मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम, जो 6th सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के पेपर होने हैं, जो 11 मई से शुरू होने हैं, उनके एडमिट कार्ड अभी तक रिलीज़ नहीं किए हैं SOL डिपार्टमेंट ने। सो आप सभी को मैंने यही बताया था आज के दिन कि आज रात तक अपडेट, मुझे मॉर्निंग में SOL डिपार्टमेंट में बात करने से पता लगा था कि आज रात तक जो है आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे, और आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। सो नॉर्मली SOL की साइट को आपको डाउनलोड करना है, सर्च करना है, और कंटिन्यूटी वेबसाइट पर नहीं जाना, यहीं पर रुक जाना फ्रंट पेज पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर लिखा हुआ है UG एग्जामिनेशन डाउनलोड हॉल टिकट फॉर ऑल UG एनुअल मोड कोर्सेज एंड UG CBCS कोर्सेज एक्सेप्ट BA प्रोग्राम CBCS। ठीक है, BA प्रोग्राम को छोड़ के बाकी सभी स्टूडेंट का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया गया है। अब आप बोलोगे कि मैम, BA प्रोग्राम का क्यों नहीं आया है? तो बेटा, वो क्यों नहीं आया है वो तो वही लोग जानते हैं, उसका रीज़न उन्होंने मुझे नहीं बताया है। बाकी एक दो घंटे बाद या कल रात तक जैसे भी BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स का भी एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कोर्सेज के जो पेपर हैं 11 मई से स्टार्ट हैं, तो इस वजह से आप लोगों के एडमिट कार्ड आज रात में आ गए हैं। सो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना जो सेंटर पड़ा है वो देख लीजिए। ठीक है, दूसरे डाउट जो स्टूडेंट को थे कि मैम, एक ही सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट एक डेट पर शो हो रहे हैं, तो बेटा वो एडमिट कार्ड में ना अलग अलग डेट पर और टाइमिंग के साथ शो होंगे आपको, आप अपने एडमिट कार्ड में चीज़ को नोटिस कर लेना। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को नॉर्मली कुछ नहीं करना। मैं एक बार आपको इस पर क्लिक करके बता दूँ कि सर्वर इज़ टू बिज़ी लिखा हुआ आ रहा है, द सर्वर इज़ अनअवेलेबल, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इस टाइम अपने एडमिट कार्ड ओपन कर रहे होंगे, डाउनलोड कर रहे होंगे, इस वजह से साइट नहीं चल पा रही है। तो आप बेफिक्र होकर अपना एडमिट कार्ड मॉर्निंग में डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अभी मत करो, वैसे भी साइट नहीं चल रही है, और जिनकी चल रही है उनके लिए रहन दो। ठीक है, वो लोग अपना डाउनलोड कर लेंगे। जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा है तो घबराओ नहीं, मॉर्निंग में कर लेना, क्योंकि सेंटर देखने भी जाओगे तो ऑब्वियसली मॉर्निंग में ही जाओगे। ठीक है, जब तक साइट भी चल जाएगी। बाकी BA प्रोग्राम का एडमिट कार्ड कब तक रिलीज़ होगा ये अभी कंफर्म नहीं है, जैसे ही रिलीज़ होगा आपको ग्रुप में वीडियो के थ्रू YouTube पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप उसको देख लेना। बाकी आपको कुछ नहीं करना है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा, बस आपको इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएंगी वो आपको फिल करनी है अपने ID कार्ड में से, और फिर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि मैम, हम एडमिट कार्ड कलर निकलवाएं या प्रिंट ब्लैक एंड आउट निकलवाएं, ब्लैक एंड वाइट। तो वो आपकी मर्ज़ी है, ऐसे कोई नहीं है कि कोई कॉलेज आपको अंदर एंट्री लेने देगा अगर ब्लैक एंड वाइट है तो, या कुछ और है। ठीक है, आप बेफिक्र होकर चले जाओ कोई सा भी एडमिट कार्ड निकलवा के। ओके स्टूडेंट, बाकी मैं यही बोलूँगी कि 2 कॉपी निकलवाना, क्योंकि फिर आपको इन फ्यूचर बाद में एडमिट कार्ड की ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं एडमिशन में या किसी चीज़ में, और फिर आप लोग परेशान होते हो कि मैम, एडमिट कार्ड में कहाँ से लाऊं। ठीक है, तो बेटर है आप 2 कॉपी निकलवा लेना। सो आप लोगों के पास अगर कोई और क्वेश्चन, डाउट है या कोई भी चीज़ है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।